Good morning, students. How are you? Hope you all are healthy and safe. Okay, student. चलिए आज का ज्योग्राफी का हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका चैप्टर थर्ड, ड्रेनेज. ठीक है, जिसे हम हिंदी में अफवाह भी कहते हैं. ड्रेन, आपने वर्ड सुना है ना, ड्रेन गाना, तो वही बहना, लाइक तो ड्रेनेज. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इसमें हम आपको पूरा चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले जो हमारा चैप्टर का नेम है ड्रेनेज, तो हम पहले ड्रेनेज का मीनिंग जान लेते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है. ठीक है, तो देखिए बेटा, ड्रेनेज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज. ये किसी भी एरिया में जो वहाँ का जो रिवर का सिस्टम होता है, ठीक है, जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़, एक और वर्ड बनता है यहाँ पर हमारा ड्रेनेज से ही, जो है ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, तो अब ये ड्रेनेज तो हमें समझ में आ गया कि ड्रेनेज क्या होता है, कि किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है, पर्टिकुलर एरिया का, उसे हम ड्रेनेज कहते हैं. ठीक है, अब हम जानते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, किसी मतलब एक ऐसा एरिया जो एक सिंगल रिवर सिस्टम के थ्रू ड्रेन किया जाता है, मतलब उसमें एक सिंगल रिवर होती है, उसके थ्रू वो ड्रेन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है हम उसको पढ़ेंगे. तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में क्या है कि जो रिवर्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है आपका द हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है आपका द पेनिनसुलर रिवर. हमने, आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने प्रीवियस चैप्टर में हिमालयन जो हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ा था चैप्टर टू में, तो उसमें हमने हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा था. तो वही चीज़ है, अब इन एरिया में जो रिवर्स हैं, उन जो रिवर का सिस्टम है, अब इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखिए जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से रिवर्स सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हिमालयन रिवर के अंदर हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर सिस्टम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड एंड लास्ट हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ये तीनों ही रिवर्स आपके हिमालयन रीजन में मिलती हैं, हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको हिमालयन रिवर्स के पार्ट में रखा गया है. ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू सा है, रिवर सिस्टम. अब रिवर सिस्टम क्या होता है, देखिए रिवर सिस्टम क्या है, अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. देखिए एक रिवर या एक नदी या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी. ठीक है, तो एक नदी या उसकी सहायक नदी को रिवर सिस्टम कहा जाता है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में वो है आपका द पेनिनसुलर रिवर्स. जो पेनिनसुलर एरिया में आपके प्लेटू में जो रिवर्स आती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें कौन कौन से रिवर्स हैं ये देख लेते हैं. तो इसमें हम द नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, तापी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन और लास्ट कावेरी बेसिन. तो ये जो सारी नदियाँ हैं ये आपके पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि साउथ एरिया में या मिडल साउथ में बहती हैं, फ्लो करती हैं. ठीक है, तो इन सब रिवर्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो लेक्स हैं. लेक्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेक हैं जो इंडिया में फेमस हैं. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द रिवर्स इन द इकनॉमी, जो नदियां हैं उनका कंट्री की इकनॉमी में क्या रोल है. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर पॉल्यूशन के बारे में. एट लास्ट हम पूरे चैप्टर को एक बार समराइज़ करेंगे, उसका रिविज़न करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय.